तो नमस्कार भैया। और देखो हमारे पास आज जो एक है जियो को F90M मोबाइल फ़ोन आओ है, तो आप देख सकते हो जोन में भैया बगल में पिन हो गए वो F90 मोबाइल है। आप तो जानते ही हो, बहुत जानकार हो, हमसे 100 गुना ज़्यादा तेज आप जाना तो मोबाइल में। तो आप देख सकते हो ई के भैया कछु बटन काम नहीं कर रहे हैं, जैसे भैया हम आपको दबा के दिखा रहे हैं बटन। ई की डिस्प्ले थोड़ी लाइट डाउन है, ई की वजह से आपको थोड़ो हाँ वीडियो में दिखे नहीं ढंग से। तो आप देख सकते हो देखो 1 से लेके और 7 बटन तक तो भैया जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो 8 नंबर बटन है जो भी काम नहीं कर रहा है, तो जो बटन ख़राब है और ई को भैया कितने से ख़राब है और काका और ख़राब है। देखो 7 बटन तक तो काम करे हैं, लेकिन 8 बटन और 9 बटन काम नहीं कर रहे हैं, और 1 बटन ही में और है भैया जोन से अपन मीनू दबाते हैं, मीनू बटन कहते हैं जोन, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो बीच वाला बटन तो आप देख सकते हो जितने बटन काम कर रहे हैं सुबह आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, और बाकी के जो बटन काम नहीं करे हैं सुबह नहीं आए भैया। तो हम आपको देखो मीनू बटन ही को दबा के दिखा दे, देखो काम नहीं कर रहा है जो अभी को भैया हमें लॉक तो पता है नहीं है, नहीं तो हम आपको खोल के दिखा देते। तो देख सकते हो जो बीच बारो बटन होम बटन काम नहीं कर रहा है, और 8 और 9 बटन तो भैया ही में इन्हीं बटन से लेके आज हम मोबाइल आए हैं, तो इन बटन को सॉल्यूशन आज के वीडियो में करके दिखावे बारे हैं। आप वीडियो में बने रहो भैया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो भैया। आज हमारी आवाज़ तनक दबी दबी सी आए और हमें बहुत जुखाम है, और आप देख सकते हो मल्टीमीटर से जैसे ही की रीडिंग चेक करते हैं तो देखो जो बटन है जो 7 नंबर बटन तो जो तो भैया सही है, और इसकी रीडिंग भी मतलब ग्राउंड की जो रीडिंग होते है और प्लस की जो रीडिंग होते है वह परफेक्ट आ रही है, और हम 8 नंबर की रीडिंग देखो नापत हैं तो प्लस वाली जो पॉइंट होते हैं वो तो सही है, लेकिन ग्राउंड वाला पॉइंट ख़राब है, और इको 9 नंबर बटन को देखो प्लस वाला पॉइंट ख़राब है और ग्राउंड वाला सही है, और बीच बटन को भी देखो ग्राउंड ख़राब है और प्लस वाला सही है मतलब बीच को। तो आप बने रहो वीडियो में, हमारा नाम है भैया रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके और भैया घंटी को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो अपन को मोबाइल को खोल के और जो जो प्लेट है जो पावर आईसी और इन आईसीएन पे जब प्लेट लगी रहते हैं तो फटाफट से हम जो माइक साइक स्पीकर निकाले ले रहे हैं जो वाइब्रेटर और कैमरा है। तो भैया स्पीकर के वायर और वाइब्रेटर के वायर निकाल के और अपन को जब प्लेट है जो आईसी पे लगी है अच्छे से निकाल लेने हैं, आप चाहे मशीन से निकालो या कटर की मदद से निकालो। तो इको भैया निकालवे को आराम से निकाल के और फिर देखते हैं भैया कितने सही की सप्लाई ख़राब हो जाते है और कितने सही को सॉल्यूशन होते है। आप बने रहो वीडियो में, देखो आपको बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको रिपेयर करके दिखा रहे हैं वीडियो में। तो हमने देखो प्लेट तो निकाल ली है, अब भैया देखना जो है कि जो सप्लाई आउट कितने से हैं और जात कितने है, जो अपनों 8 नंबर और 9 नंबर और बीच को बटन काम नहीं कर रहा है जितनी नहीं बटन। तो देखो सबसे पहले अपन को जो चार्जिंग पिन लगी रहती है इसके बगल में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो अच्छे से हम क्लीन कर लें और फिर देख सकते हो देखो चार्जिंग पिन के बगल ही में देखो ये दो रेजिस्टेंस लगी हैं भैया, देख सकते हो एक जा रेजिस्टेंस और एक जा ई बगल है, एक ई साइड और एक ई साइड, और पीछे में यानी कि नीचे दो डायोड लगे हैं। तो अपन को भैया ई रेजिस्टेंस के ई बीच वाले पॉइंट पे देखने हैं मल्टीमीटर से कि थे भैया रीडिंग आ रही कि नहीं आ रही है, अगर आ रही हुई है भैया तो अपन और इतने से जम्फर उठा कर और सीधे जो 8 नंबर बटन को ग्राउंड ख़राब है ऊपर लगा सकत हो, तो भैया हो सकत के बटन अपने काम करने लग में। तो
तो आप देख सकते हो हम मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करते हैं, तो देखो ई साइड तो भैया आ रही रीडिंग, लेकिन बीच वाले पॉइंट पे मतलब अंदर साइड का जो पॉइंट है ऊपर नहीं आ रही है कोनो मल्टीमीटर, रीडिंग शो नहीं हो रही है मल्टीमीटर की डिस्प्ले में। तो आप देख सकते हो इतने इतने भैया रीडिंग आबो जरूरी रथ है। तो अब जब ई आईसी से भैया इतने से देखो सप्लाई आउट है, तो अपन और ई आईसी पे थोड़ी सी हीट करके देखा थे कि हो सकता है कि इतने सप्लाई जैसे ही आ जाए जैसे अपनी, तो अपने बटन भैया हो सकत के काम करन लगवे। तो हम थोड़ी सी पेस्ट लगा कहीं पे और मामूली सी हीट दें ताकि अपने भैया जो सीपीयू आईसी है जा ख़राब नहीं हो पे और अच्छे से हम बटन अपने काम करन लगवे। तो मामूली सी हीट दई है हमने देखो सीपीयू आईसी पे और अब देखते हैं भैया ये जो अपनी बटन ख़राब आते इतने पहले रीडिंग नहीं आ रही थी देखो, तो इतने रीडिंग बराबर आने लगी है अपने जो 8 नंबर और बीच वाले बटन को ग्राउंड होते है ऊपर भैया कोनो रीडिंग नहीं आ रही थी, अब देखो रीडिंग आने लगी है। तो आप देख सकते हो ई बटन पे और देखो 9 नंबर का जो बीच वाला पॉइंट ख़राब है तो मतलब इतना रीडिंग नहीं आ रही थी, तो बीच वाले पॉइंट पे भी रीडिंग आने लगी है आप देख सकते हो। देखो अच्छे से सब बटन पे रीडिंग आ गई है, अपने बटन भैया ओके हो गए हैं। अब देखा थे इन्हें हम चेक करके और भैया आपको दिखावे की कोशिश करते हैं। देखो हमने बस ए सी पी यू आई सी पे हीट दई है और बाकी को ना भैया कोई उसे जम्पर लगाओ है ना के हम कछु करवाई पे, बस सी पी यू आई सी पे हीट दई है तनक सी। और आप देख सकते हो जितने भैया रीडिंग नहीं आ रही थी जो अपनी दो जी लगी हैं जी देख सकते हो इतने जो दो रेजिस्टेंस हैं इतने रीडिंग नहीं आ रही थी, अब भैया ई पे रीडिंग आने लगी है। ई आई सी की प्रॉब्लम हती भैया ई में कि आई सी से सप्लाई सही नहीं आ रही थी बटन तक। तो अब भैया इको फटाफट से हम बंद करके और इको चालू करके देखते हैं जो हम भैया बाद में लगा दें और बैटरी डाल के और आपको ऑन करके दिखावे की कोशिश करते हैं भैया कि बटन रीडिंग तो परफेक्ट आ गई है। अब भैया डिस्प्ले पे आपको दिखावो भी ज़रूरी रहते है, तो आप बने रहो भैया वीडियो में, वीडियो को जब तक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया हाथ जोड़ के विनती करत कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो अपना मोबाइल अरे भैया थी कि बॉडी टूटी है जा देखो जा तो बैटरी हिल रही है इसे, तो हम आपको फिर से ऑन करके दिखावे की कोशिश करते हैं। तो इतना थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा दें भैया वीडियो की, तो अपना देख सकते हो मोबाइल चालू हो गया है। और भैया हमें अगर इको लॉक को पता हो तो हम लॉक खोल के आपको दिखा वे की कोशिश बिल्कुल करते, लेकिन हम भैया इमरजेंसी कॉल पे जैसे ही जा रहे हैं और आपको बटन दबा के दिखा रहे हैं। तो आप देख सका तो देखो डिस्प्ले में हम मामूली आपको दिख रहा होगा, देखो 8 नंबर 8 8 8 जी दब गए हैं और 9 बटन जैसे ही दाब रहे हम, तो भैया देखो 9 9 9 दब गए हैं। और भैया आप देखते हैं कि जो बीच को बटन है, तो देख सका तो आप बीच को बटन भी काम कर रहा है। तो भैया कैसे लगो वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, और आप ऐसे सॉल्यूशन कर लो आसानी से हो जाते हैं आपको हम और चेक करा के दिखा देते हैं कि देखो 8 नंबर भी अपनों काम कर रहा है और 9 नंबर भी काम कर रहा है, हो सकता ही में लॉक कोनू लगो हुए तो हम आपको डाल के दिखावे की कोशिश करें भैया, लेकिन भैया लॉक इको हमें मालूम नहीं है तो भैया नहीं दिखा पे हम। तो आप भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, आपको कैसा लगे वीडियो कमेंट भी करियो और ऐसे वीडियो देख भी के लाना भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, हम आपको फिर से दिखावे की कोशिश करते हैं। देखो 9 नंबर और 8 नंबर अपने बिल्कुल
परफेक्ट काम करने लगे हैं। तो भैया फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे मोबाइल के संग, जब तक राम राम।